नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं नहीं जैन बट्याची। बोरावड़ के निकटवर्ती गांव बासड़ा में पानी की आपूर्ति नहीं होने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के निवास स्थान पहुंचकर उन्हें अवगत करवाया। ग्रामीण जगदीश राजपुरोहित ने बताया कि पानी के लिए 4 माह पहले ही विभाग ने तैयारियां कर ली थी, लेकिन चावंडिया में टंकी निर्माण का काम पूरा नहीं होने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पाया। अब जाखली में स्थित पानी की टंकी से बासड़ा को पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिस पर पूर्व विधायक गैसावत ने तुरंत जल विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन कर वार्ता कर समस्या का निराकरण करने की बात कही तथा आश्वस्त किया कि गुरुवार से बासड़ा में नहरी परियोजना का पानी सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा, साथ ही पानी की नियमित आपूर्ति भी होगी। जब तक प्रतिदिन गांव में 3 टैंकर पानी पशुओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर तेज सिंह, श्रवण सिंह, घनश्याम, मोहनलाल, तेजाराम, ओम प्रकाश सिंह, राम अवतार, मोहन सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित थे। शिपुरा थाना क्षेत्र के गांव बरनेल के निकट एक खेत के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक में सोमवार दोपहर को आग लगने से किसान के खेत की बाड़, नीम और खेजड़ी के वृक्ष जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों की मदद से 1 घंटे के प्रयास के बाद आखिर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बरनेल निवासी शिवराज सिंह के खेत के पास सोमवार दोपहर ट्रांसफार्मर में किसी जानवर के स्पार्किंग होने से आग लग गई, जिससे शिवराज सिंह के खेत में लगी करीब 300 मीटर की बाड़ और आसपास लगे खेजड़ी और नीम के 8 पौधे जल गए। खेत के पास ही काम कर रहे नरेगा श्रमिकों ने इसकी प्रथम सूचना गांव में दी तो एक बार की सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। सूचना पर गच्छीपुरा थाना से हेड कांस्टेबल मोहनलाल मय जाप्ता पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान डेगाना से अग्निशमन दमकल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से आग को नियंत्रित किया। आगजनी से शिवराज सिंह को करीब 50,000 रुपए के आर्थिक नुकसान होने का आकलन है।
मुंबई से श्रमिकों को ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से क्रॉसिंग के दौरान बेसरोली स्टेशन पर 158 यात्री बिना गंतव्य के तथा बिना स्वास्थ्य जांच के ही बेसरोली रेलवे स्टेशन पर उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, गच्छीपुरा थानाधिकारी अब्दुल रहूफ, मकराना थानाधिकारी जितेंद्र सिंह चारण, डेगाना थानाधिकारी रूपाराम, पीलवा थानाधिकारी राधेश्याम चौधरी, मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और भागदौड़ कर कई महिला व पुरुष श्रमिकों को पकड़कर एक जगह इकट्ठा किया। बेसरोली चिकित्सालय में श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच और स्क्रीनिंग की गई। बेसरोली स्टेशन मास्टर के अनुसार बांद्रा से चलकर नागौर और पाली के श्रमिकों को लेकर आ रही ट्रेन दोपहर 2:14 पर अप ट्रेन रुकी। सामने से डाउन ट्रेन भी श्रमिक स्पेशल थी। ट्रेन रुकने के कारण आसपास के कई गांव बोरावड़, रामसिया, गहड़ा, कला, मंगलाना, जावला व पीलवा, परवसर, डेगाना, कुचामन क्षेत्र के 158 यात्री मौका देखकर उतर गए। भामाशाह नंद कुमार सोनी ने सभी यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था की। तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी लेते हुए पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर पटवारी चेनाराम कारना, नारायण कड़वा, विनोद जोशी आदि मौजूद थे। चला हाल तो हाल मकड़ा ही आ रही है, साल बड़ाड़ भी आ रही है, साथ रहा था जी। जिले के रिया कस्बे के एक व्यक्ति ने मंगलवार को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के नजदीक कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। ऐसा करते हुए सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया और नजदीकी ही सोडाला पुलिस चौकी पर सूचना दी। पुलिस ने उसे उसी वक्त SMS अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और अब तबीयत ठीक है। पुलिस के अनुसार वह एक ज्ञापन लेकर कार में अपने साथी के साथ आया था, जिसमें उसने बजरी माफिया और पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। चैनाराम आल राजस्थान दुकानदार महासंघ का अध्यक्ष भी है। उसने मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन में बताया कि 18 मई को बजरी खनन माफिया से जुड़े लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया। उसकी रिपोर्ट पादुकला थाने में दर्ज करवाई। 22 मई को फिर से आरोपियों ने रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने के लिए मारपीट की। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो दर्ज नहीं की। चैनाराम माली के अनुसार वह अक्सर खनन माफियाओं की शिकायत करता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पादुकला थाना वालों की उनसे मिलीभगत है। पुलिस के समस्त उच्च आलाधिकारियों, जिला कलेक्टर आदि को भी व्हाट्सएप के जरिए लिखित सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस विभाग
से कोई न्याय नहीं मिला, मजबूरन आत्महत्या करने की बात भी लिखी है। वहीं दूसरी ओर परिवादी द्वारा जयपुर में आत्महत्या के प्रयास के बाद मंगलवार शाम को नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कसवा व अजमेर रेंज के विजिलेंस SP परिवादी के घर रिया पहुंचे तथा हालात का जायजा लिया। ASP कसवा ने बताया कि युवक से मारपीट के मामले की हर पहलू से निष्पक्ष जाँच की जा रही है। परिवादी चैनाराम की 18 मई की फोन पर मारपीट करने और गाड़ी को नुकसान पहुँचाने की सूचना पर उसी दिन डेगाना थानाधिकारी और व्रत अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बयान लिए और परिवादी का मेडिकल करवाया था। इसी काम में लगे मकराना विधानसभा क्षेत्र में टिड्डी दल के बार बार हो रहे हमले को लेकर मकराना विधायक रूपाराम मोरावतिया ने सक्रियता दिखाई। लगातार पिछले 2 दिनों से मकराना क्षेत्र के ग्राम नावद, धानणवा और इंदौरा तथा कल भी इन्हीं गांवों से होकर कचोलिया, देवरी, बूडसू और बरवाली से होते हुए कुचामन की तरफ टिड्डी दल गुजरा था। एक ही दिन में 3 अलग अलग मकराना क्षेत्र से होकर गुजरे तीसरा टिड्डी दल सूर्यास्त के वक्त गाँव चिंडालिया सुथली से होकर रामपुरा और भरनाई के इलाके में पड़ाव डाल दिया। कृषि अधिकारियों की बात माने तो किसान संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार अलसुबह इन टिड्डी दल पर रसायन का छिड़काव करके मारा गया। मौके पर विधायक मोरावतिया पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों का हौसला अफजाई की। मकराना क्षेत्र में अब तक 5 बार टिड्डियों का हमला हो चुका। विधायक मोरावतिया ने बताया कि टिड्डियों को पूरी तरह से मारने में राज्य सरकार विफल रही। इस विषय पर विधायक मोरावतिया ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री व बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी से दूरभाष पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने विधायक को कि अब तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को टिड्डियों के खात्मे के लिए 14 करोड़ रुपए दिए हैं। टिड्डियों पर रसायन का छिड़काव करने के लिए टेंडर जारी करके 2 ड्रोन की मंजूरी भी दी है। इस प्रकार पानी में दवाई मिलाकर छिड़काव करने के लिए 800 ट्रैक्टरों से डीजल, किराया, मशीनें और दवाई भी उपलब्ध करवाई है। साथ ही राज्य मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली टिड्डियों के विनाश के लिए अगले 3-4 दिनों में व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने उपखंड स्तर पर बोरावड बालाजी कॉलोनी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड कोरोना सैंपल संग्रह लैब बनाया है, जहां कोरोना संदिग्ध मरीजों के चिकित्सा टीम द्वारा सैंपल संग्रह का काम जारी है। कोरोना सैंपल लैब पर ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक खतरे से खेलकर जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियमित काम कर रहे हैं, लेकिन इन कोरोना वॉरियर्स के लिए समय पर चाय, पानी, नाश्ता, खाना तक सरकार की ओर से मुहैया नहीं है। समाज सेवा से जुड़े लोगों के भरोसे नाश्ता और पानी की व्यवस्थाएं हो रही है। कोरोना सैंपल लैब में कोरोना संदिग्ध मरीजों को एम्बुलेंस से लाने और ले जाने का सिलसिला दिन भर बना रहता है। आवासीय क्षेत्र होने के कारण यहां कॉलोनी वासियों के सिर पर भी चिंता की लकीरें उभरने लगी है। उन्हें यह भय रात और दिन सता रहा है कि कहीं एक भी कोरोना पॉजिटिव आने के अनजाने में संपर्क पूरी कॉलोनी को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि इस कोरोना सैंपल संग्रह सेंटर पर तैनात स्टाफ खुद सुविधाओं के लिए तरस रहा है। वहीं सैंपल जांच के लिए आ रहे मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। शुरुआत में जब 15 से 20 मरीज आते थे तो उनकी सुविधा के अनुसार पर्याप्त जगह थी, लेकिन अब 100 से अधिक मरीज यहां सैंपल जांच के लिए आ रहे हैं। पर्याप्त जगह के अभाव में सोशल डिस्टेंस भी नहीं रह पाता। इस भीषण गर्मी में मरीजों के पीने के लिए पानी और छांव के लिए भी उचित सुविधा नहीं होने से मरीज अपने बचाव के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। विशेषकर टॉयलेट सुविधा के अभाव में महिलाएं मरीज बड़ी कठिनाइयों का सामना करती हैं। ज्ञात रहे पास में ही मार्बल औद्योगिक प्रतिष्ठान है और बालाजी कॉलोनी झंवर कॉलोनी स्थित है, जहां सैकड़ों परिवार निवास करते हैं और रोजमर्रा के कार्य के लिए महिलाओं और बच्चों को भी बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में अस्पताल परिसर के बाहर मुख्य सड़क की तरफ खड़े मरीजों के संपर्क में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैन बालाजी कॉलोनी निवासी, जैसा कि अभी सुनील जी साधा ने, राधेश्याम जी जाटिया ने बताया था कि सभी अपने ही हैं जो जांच कराने आते हैं,
पर इनको जो तकलीफ आ रही है, जैसे कि ये सुबह 8:30 बजे तक आ जाते हैं, डॉक्टर की टीम 11:30 आती है, तो यहाँ इनको बैठने की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर तरीके से, और पानी जल की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। और आप सभी लोगों को पता है गत 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो एक तरफ से तो ये मानसिक रूप से तो कमज़ोर हो ही जाते हैं, भाई चेक कराना है तो क्या पता मैं निकल जाऊँगा, कोरोना पेशेंट निकल जाऊँगा, इस तरफ से मानसिक तो रहते ही है, और साथ ही साथ ये ऊपर से गर्मी और दूसरे यहाँ व्यवस्था नहीं प्रॉपर तरीके से। तो पहले तो जब शुरुआत हुई थी उस टाइम तो पेशेंट कम थे, 5-10 पेशेंट पर डे आते थे, तो तब तक तो ये हॉस्पिटल ठीक था, पर अभी जैसे जैसे पेशेंट लगभग 50 से लेकर 150 के बीच करीब, एवरेज 100 के करीब आ रहे हैं, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से व्यवस्था बैठने की और पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर भी कॉलोनी वासियों ने छायों की व्यवस्था के लिए व्यवस्था की है और जल की भी व्यवस्था की है, पर हमको लगता है ये व्यवस्था भी कम पड़ रही है जिस तरीके से ये भीड़ आ रही है। तो हम ये निवेदन नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार से ये निवेदन नहीं कर रहे हैं कि इस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जांचों की दायरा बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो इसको इस आबा इस छोटे हॉस्पिटल के बजाय कोई बड़े हॉस्पिटल में स्थानांतरण कर दिया जाए, ताकि उससे क्या डॉक्टर का भी आराम रहेगा और आने वाले सभी पेशेंट। यस सर, गोपाल ओडा, मेरा गोडाउन बालाजी जामकटला के अंदर है, यहाँ सामने स्थिति है, हॉस्पिटल है, उस स्थिति को जो भी पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, वो क्या 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं और एम्बुलेंस आती है 8:30 बजे, उनको 10-10 के आती है, फिर एकदम छोड़ के चले जाते हैं, और 12:30 के लगभग एक बात है, एक साथ पेशेंट 50 पेशेंट एक साथ अंदर जाते हैं, तो फिर उसका मतलब कोरोना का क्या मतलब है, फिर कल को अगर संक्रमित तो अगर एकदम ज़्यादा फैल गया तो उसका फिर क्या होगा सर, इसका विशेष ध्यान करके और इसकी व्यवस्था। राजस्थान में टिड्डियों के प्रकोप को लेकर मुख्य उप सचेतक व नामा विधायक महेंद्र चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टिड्डी नियंत्रण के लिए पत्र लिखकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि जिस प्रकार कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी है, हमें विश्वास है कि इस प्रकोप से भी आप राजस्थान के लोगों को बचाएंगे, राजस्थान की जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। गोरक्षा दल राजस्थान की जयपुर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जांगिड़ व जयपुर जिलाध्यक्ष मानसिंह बड़ागांव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संगठन से संबंधित अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई व संगठन का विस्तार के बिंदु पर भी जोर दिया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा पर पूर्व में जिलाध्यक्ष के पद पर रहते हुए कार्य को देखते हुए नागौर के जिलाध्यक्ष पद पर करण सिंह आनंदपुरा को नियुक्ति दी गई, और साथ ही पिछले 5 सालों की भांति आगे भी कार्य करने और गौसेवा के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। इसकी सूचना समस्त साथियों को मिलने पर साथियों ने लॉकडाउन की पालना करते हुए फोन पर बधाइयां दी, जिनसे मुकेश घोटिया, वुडसू, मनोज सिखवाल, केशव गट्टानी, भविष्य कुमावत, त्रिलोक डूडी व गांव के भी कई साथियों ने बधाइयां दी।